वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू ऑल 2012 ओल्ड पल्सर 150। तो भाई चेक आउट द बाइक। तो इस बाइक को 2012 में लिया गया था, पल्सर 150। तो यार देख लो, और ये बाइक 2012 की है, तो ऑलमोस्ट इसे 6 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अब चेक कर सकते हो इस बाइक को पूरा, इसकी साइड प्रोफाइलिंग से लेकर बैक, टेल लैंप से इंडिकेटर्स, पूरी बाइक चेकआउट कर सकते हो गाइस, पूरी बाइक। इस गाड़ी में इतनी साल हो गए हैं, पुरानी बाइक है। तो अभी मैंने बाइक को थोड़ा साइड में लगाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके फ्रंट की, जो कि आपको देखने में इस तरीके से है। इसमें मैंने जो कंपनी फिटेड है, पूरा स्टॉक है इसमें। येलो हेलोजन बल्ब हैं, ये आपकी डे लाइट रनिंग लैंप्स कह लो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें डे भी में जला सकते हो और नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई इसका लुकिंग परफॉर्मेंस ऐसा है, ठीक है। इंडिकेटर्स में आपको हल्के फुल्के स्क्रैचेस ज़रूर दिखेंगे, बट भाई स्टिल वर्किंग गुड। उसके बाद भाई मैं आपको इसके भी इंडिकेटर को चेकआउट करा देता हूँ, उसमें भी आपको हल्के फुल्के इंडिकेटर्स में स्क्रैचेस दिखेंगे, बट यार एक नंबर की ये इसमें परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है ना। मैं आपको इसे जला के भी दिखाऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहो, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इसके साइड में, आपको टैंक है जो इसका, इसमें ज़रूर स्क्रैचेस हैं इसमें भी, बट भाई होता क्या है ना, ये 2012 मॉडल है, उस हिसाब से इस बाइक को खूब मेंटेन करके रखा गया है। और भाई गर्मी भी बहुत तगड़ी वाली हो रही है। अब मैं इसको आपको इसका मैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही मस्त है। ये देखो भाई, इसमें लगाई चाबी, और आपको किलोमीटर शो कराता हूँ। देखो भाई बिल्कुल न्यू जैसा है, जबकि बाइक कितनी पुरानी है। और इसके किलोमीटर्स आप चेक करो, 1,70,259 किलोमीटर भाई, मतलब 1 लाख प्लस किलोमीटर चल चुकी है। 1,17,260 किलोमीटर है ये बाइक, ठीक है भाई। और इसमें फ्यूल अभी शो कर रहा है 2 पॉइंट, मतलब भाई मैं अपनी गाड़ी में पूरा ही फ्यूल रखता हूँ। और इसके बारे में अब हम बात करते हैं, तो आपको चेकआउट मैंने करा दिया है एक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन देखने में लग रहा है। कोई कह नहीं सकता है कि ये इतनी पुरानी है, मेंटेन कर रखी है, पूरी स्टॉक बाइक है। अब इसमें जो मुझे बजाज की बाइकों में सबसे पसंद आती है वो है इसमें ये जो लाइटिंग दे रखी है ना, देखो अभी मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। ये जो लाइटिंग दे रखी होती है नाइट में बहुत अच्छी जस्टिस होगी, इवन फोकस अभी हो पा रहा है नहीं। और जितने भी मेरे भाई पल्सर के ओनर हैं या बजाज की, उन्होंने कोई सी भी बाइक ले रखी है भाई, देखो दोनों तरफ ये लाइटिंग रात में इतनी प्रीमियम लगती है ना, मैंने थोड़ा वैसा बोल दिया, प्रीमियम लगती है भाई, मतलब स्टिल गोइंग वर्क गुड, और जो भी आप कह लो, ठीक है ना। इसके लिए तो मैं बजाज पे यार एक तरीके से हर चीज़ को भूल जाता हूँ, क्योंकि ये यार आफ्टर मार्केट भी ऑप्शंस बाइक में आते हैं, बट जो कंपनी करके दे वो काम ही काम अलग होता है। ऐसा नहीं है मैं आफ्टर मार्केटिंग के खिलाफ हूँ, बट स्टिल जो कंपनी दे वो एक अलग ही लुक आता है। अब बात करते हैं थोड़ा बाइक के सीटिंग के बारे में। तो भाई मैंने मार्केट से कंपनी की सीट की है, मैंने इसमें कुछ लगाया नहीं है। देखो भाई सॉफ्ट टच है पूरा, मैंने आपको छू के बता दिया है, बैठ के भी आपको दिखा दूंगा मैं इस पर। तो भाई मतलब कि मैंने इसमें एक ग्लेंसर का आपका कवर दिख रहा होगा, बट भाई इसके लिए कपड़ा है ना बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसकी ब्रांडिंग इसे ढूंढी थी, पर इस कपड़े में पल्सर की बैजिंग है उस टाइम मिल नहीं रही थी, आपको मैं फोकस करके दिखा रहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी बाइक के पीछे के बारे में। तो पीछे आपको बाइक की लाइट जलती हुई मिल रही होगी, और भाई चेकआउट करो, ये नंबर प्लेट है आफ्टर मार्केट वाली, ठीक है भाई, साइलेंसर स्टॉक है, बाइक बिल्कुल साफ है। अब मैं आपको उसके टायर्स चेकआउट करा देता हूँ, इसके MRF के टायर्स हैं, ठीक है भाई। देखो MRF के टायर्स हैं ये, पूरा साइज इसका यहाँ पर कहीं होगा साइज, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो भाई आपको फोकस हो पा रहा होगा, 218, अच्छा ये तो बजन है, 225 kp भाई, इसका मतलब लगा लो भाई, मुझसे इतना पता नहीं कितना है, जो भी है वो आप समझ जाओगे क्योंकि आप लोग होशियार हो, ठीक है भाई। ये आपका टायर चेंजिंग का प्रो, भाई मैंने 1 लाख किलोमीटर के स्टिल आसपास मैंने टायर डलवाए थे, आगे पीछे दोनों नए MRF के ही टायर मैं यार ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि नाइस वर्किंग और ग्रेव इनकी जो रहती है ना एक नंबर की। डिस्क ब्रेक चेक कर सकते हो आप, बहुत अच्छे से फोकस हो पा रहा होगा, डिस्क ब्रेक चेक कर सकते हो आप, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टिल नाइस वर्किंग। तो भाई ये थी पूरी बाइक पल्सर 2012, 1 लाख किलोमीटर प्लस चली हुई। अब मैं थोड़ा आपको इसके एग्जॉस्ट
साउंड जो है ना स्टॉक, मतलब ऐसा सच नहीं है मैंने कुछ लगवाया है, कंपनी फिटेड ही है एग्जॉस्ट। अब आप लोग जरूर एक चीज़ पूछने वाले होंगे कमेंट में कि भाई ये बैग कैसा है, तो भाई ये बैग मेरे बहुत हेल्प करता है। मैंने इसे वॉश करवाया था, गंदा हो गया था बारिश के चलते, ये वॉशेबल बैग है, 200-250 रुपये का मुझे आफ्टर मार्केट पड़ा था, और भाई एकदम मस्त वाला है, टाइकोन का बैग है ये, तो भाई इसमें बहुत ही मस्त सिस्टम है। चेकआउट करो, चेकआउट इंजन भी आप चेकआउट कर सकते हो इसका, ये इसका किक है, अभी भी मस्त काम कर रहा है, सेल्फ भी है। बाइक का थोड़ा हॉर्न मैं सुना देता हूँ आपको, हॉर्न मैं आपका सुना देता हूँ, ठीक है भाई, मस्त। तो अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ, तो बस 1 3 2 1 देख, इट्स टाइम टू मैं आपको लाइटिंग भी चेक करा दूं। तो यार लाइटिंग का रिस्पांस देख लो, रात में ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिन में जितना फोकस हो पा रहा है मैं इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तीनों वर्किंग मस्त, ये आपकी आइज़ का लुक देती हैं, और ये आपका माउथ का, जो कि एक बजाज कंपनी में पल्सर में दे रखा है। तो भाई बहुत ही मस्त, इंडिकेटर भी चलाता हूँ मैं अभी आपके लिए, तो भाई इंडिकेटर भी है। तो भाई जो BS6 की न्यू पल्सर आई है उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी हमें, तो भाई वो बाइक लेना ऐसा नहीं है, मैं मना कर दूंगा, क्योंकि इस पल्सर को देखते हुए मुझे लगता है कंपनी ने उसमें भी कुछ अच्छा ही ज़्यादा काम करा होगा, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, मतलब पल्सर लेना एकदम वर्थ है भाई।